राजेश्वर मैठानेटी और कार प्लाजा लेकर आया है डेली हलचल। दिन भर की सारी खबरें एक साथ। आज की डेली हलचल की शुरुआत अररिया की एक खबर से, जहां अररिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने अपनी ड्यूटी पर कार्यरत चौकीदार के द्वारा उनकी गाड़ी रोके जाने पर चौकीदार से सरेआम कराई उठक बैठक। खबर की जानकारी मिलते ही कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दिए जांच के आदेश। इधर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी जांच की बात कही। उन्होंने कई उच्च अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत भी की। मामले की जांच कराकर और शो को पूछते हुए वहाँ पर जो है डायरेक्टर कल्चर है उसे जाँच कराकर रिपोर्ट मंगाया जाए। रिपोर्ट मंगाने के बाद उस पर गति सम्मत करवाई। इसमें जो है जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कृषि पदाधिकारी के साथ पुलिस के अधिकारी भी दिख रहे हैं, वही गाइड हमने देखी है। नेशनल मीडिया में भी ये बहुत चला है और सोशल मीडिया पर तो हजारों लोगों ने इसको शेयर किया है। इस पोस्ट को मुझे भी कहीं कैसे आया है। इसके बाद में मैंने वहाँ के एसपी से बात करी है, वहाँ के आईजी से बात करी है। उसके बारे में मैंने इसकी सूचना मैंने सरकार को भी दे दी है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है, हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई है। शेरघाटी में हुआ पुलिस दल पे हमला, एक एएसआई जख्मी। हमलावरों में पीर मोहम्मद नामक एक अधिवक्ता भी शामिल। पुलिस ने 6 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि दूसरे पक्ष ने प्रशासन पे गाली गलौज का लगाया आरोप। घटना है, हम लोग तो उस टाइम बाहर में थे, घर से थोड़ा सा साइड में। तो हमारे घर में 22 तारीख को 20-22 को शादी थी पिछले महीने, तो 21 तारीख से लॉकडाउन हो गया, तो बहुत सारे लोग रुक गए। तो वो हम लोग का घर का रास्ता था, प्रशासन को ये समझ में आया कि वो घर दुकान है, वो दुकान नहीं है, वो घर का रास्ता था। और 1.5 फीट फिर शटर खुला हुआ था गैस निकलने के लिए सुबह सुबह, जो वहाँ पर लोग ज़्यादा तादाद में सोते हैं सर करके। तो ददन साहब जो हैं सब इंस्पेक्टर जो हैं वहाँ थाने के, वो 1.5 फीट सेटर उठा हुआ देख कर के आके वहाँ पर बहुत गाली गलौज करने लगे। लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंदों के बीच लगातार सीआरपीएफ E-47 की टीम देवदूत बनकर कर रही है राहत सामग्री का वितरण। डुमरिया के कई गांवों में भी सीआरपीएफ की टीम ने जाकर राहत सामग्री का वितरण किया। नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि नगर निगम लॉकडाउन में कचरा सफाई की व्यवस्था को करे चुस्त दुरुस्त। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खाद्यान्न व्यवसायियों एवं उद्यमियों को आवागमन हेतु वाहन पास सफलता से उपलब्ध कराए प्रशासन। मानव रक्षा अभियान दल शेरघाटी के रक्तवीरों ने मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया के ब्लड बैंक में जाकर किया रक्तदान। मानपुर सादीपुर पंचायत के सोंधी गांव के सब्जी मंडी में लॉकडाउन का नहीं रखा जा रहा है ख्याल। नक्सलियों के एक सहयोगी को इमामगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार।
गया के नूतनगर के एक हॉस्टल में लगातार 3 दिनों से भूखी एक छात्रा को खालसा ब्लड डोनर्स की तरफ से राहत की सामग्री पहुंचाई गई। गुरुआ प्रखंड के वर्मा पंचायत के सरपंच के द्वारा साबुन और मास्क का वितरण किया गया। दूसरी ओर लॉकडाउन में समाज सेवी कमलेश कुमार ने अतिया पंचायत के काशीपुर ग्राम में गरीबों के बीच राशन का वितरण किया। इस कार्य का संचालन राकेश कुमार के द्वारा किया गया।